अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहीन और आप देख रहे हैं फरहीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है चिकन 65, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। और बहुत ही जल्द मैं चिकन 65 विद ग्रेवी की रेसिपी भी अपलोड करूंगी। तो जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये चिकन 65 की रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो फिर चलिए देखते हैं चिकन 65 बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो चिकन 65 बनाने के लिए हम बोनलेस चिकन लेंगे। ये मैंने 500 ग्राम लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह से धोकर रख लिया है। तो अब हम इस चिकन में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे, और ये 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे हम इसमें। हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, ये घर का पिसा हुआ मसाला है। 2 पिंच हम इसमें रेड फूड कलर ऐड करेंगे। अगर आप इसमें फूड कलर नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसकी जगह पर कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ये लेमन जूस ऐड कर देते हैं। तो तकरीबन 1/2 नींबू का रस है ये। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून मैदा, और अब हम ये अंडा लेंगे। इसे पहले अच्छी तरह से फेंट लेंगे और फिर इसे चिकन में ऐड कर देंगे। तो देखिए अंडे को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हम ये सारा अंडा इस चिकन में डाल देते हैं, और इसके बाद हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये कोरिएंडर पाउडर मैं इसमें ऐड करना भूल गई थी, तो ये 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसे भी हम चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमने चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो इस चिकन को हम 1 घंटे के लिए रख देते हैं साइड में, ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो सके। तो 1 घंटा हो चुका है और ये जो ऑयल है हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो हम इसमें एक एक करके चिकन ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो सारा चिकन हमें एक ही बार में फ्राई नहीं करना है, बस इस कढ़ाई में जितना आ सकेगा उतना हम पहले फ्राई कर लेंगे और बाकी का हम बाद में फ्राई करेंगे। चिकन जब एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो देखिए अब ये अच्छी तरह से एक साइड से फ्राई हो चुका है, तो हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। देखिए अब ये जो चिकन है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, तो हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में, और जो बाकी का चिकन है उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो ये चिकन भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसे भी हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो ये सारा चिकन हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसी कढ़ाई में थोड़े से तेल में हरी मिर्च और कड़ी पत्ते को फ्राई करेंगे। जब कड़ी पत्ता और हरी मिर्च अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें जो हमने फ्राई किया है चिकन उसको ऐड कर देंगे। तो सारा चिकन इसमें ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और कुछ ही सेकेंड्स बाद हम चिकन को कढ़ाई से निकाल लेंगे। तो चिकन 65 हमारा रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे काइंडली सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।